الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد एक भाई सवाल करते हैं कि नया हिजरी साल शुरू होने वाला है, क्या इस मौका पे हम अपने किसी साथी को नए साल की मुबारकबाद दे सकते हैं, और अगर हमें कोई मुबारकबाद दे तो क्या हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि इस बारे में मैं सऊदी अरब के मशहूर व मारूफ मुफ्ती आज़म शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का फतवा नकल करना चाहूँगा। इस फतवे में वो ये फरमाते हैं कि नए साल की मुबारकबाद देना, इस बारे में हमें कुरान और हदीस से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे पता चले कि ये अमल शरीयत के मुताबिक है, और ना ही सलफ सालहीन से हमें कोई ऐसी दलील मिलती है कि वो नए साल के आगाज़ पे एक दूसरे को मुबारकबाद देते हों। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आपको कभी कोई मुबारकबाद दे दे तो आप अच्छे अल्फाज के साथ उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुबारकबाद देने में आप पहल करें तो ऐसी कोई दलील नहीं है। तो इस फतवा पे गौर करने से ये मालूम हुआ कि किताब व सुन्नत से और सलफ सालहीन से कोई ऐसी दलील नहीं मिलती जिसकी वजह से हम किसी को नए साल के आगाज़ पे मुबारकबाद दें। लेकिन हिजरी साल बहरहाल इस्लामी साल है, अगर कोई मुबारकबाद दे तो आप उससे कह सकते हैं जी हाँ, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए बाएथे बरकत बनाए। लेकिन इसके साथ साथ उससे ये भी कह दिया जाए कि नए साल की मुबारकबाद देना किताब व सुन्नत से और सलफ सालहीन से साबित नहीं है, इसलिए इससे गुरेज करना ही बेहतर है। वल्लाहु ताला आलम।